हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ एजुकेशनल प्रो और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी बेसिक सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, जो कि इसी टॉपिक के अंदर काम में आएगी, वो मैं इस फिगर के थ्रू आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब क्रोमोसोम बायवेलेंट स्टेज में आके अपोजिट पोल पर मूव करने लग जाते हैं, जैसे कि मियोसिस 1 एनाफेज में आप देख सकते हैं, फिर मियोसिस 2 के अंदर भी अलग अलग अपोजिट पोल पर सेपरेट हो जाते हैं, फिर 4 जर्म सेल बन जाएंगे स्टूडेंट। तो यही हर एक सेल हर एक गैमेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो उसके अंदर जैसे कि मेल है, मेल 4 स्पर्म्स यानी कि 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करता है, तो वही 4 स्पर्मेटोजोआ के अंदर एक एक जर्म सेल ट्रांसफ़र होता है। तो यही जर्म सेल के पास, हर एक क्रोमोसोम के पास एक एक जीन्स लगा होगा, मतलब एक एक कैरेक्टर लगा होगा, इनके ऊपर ही अटैच होगा, या तो 2 जीन्स भी एक एक क्रोमोसोम के ऊपर लगे हो सकते हैं। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पर। स्टूडेंट, जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर क्रॉसिंग करवाई थी कि वो जेनेटिक्स के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएँ, जेनेटिक्स के बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च कर पाएँ। बेसिकली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम फ्रूट फ्लाइज कहते हैं। तो जब इनकी उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाई थी स्टूडेंट्स, तो उनको जो रिजल्ट मिले थे, जो क्रॉसेस के रिजल्ट मिले थे, तो बिल्कुल सिमिलर थे मेंडल के रिजल्ट्स के साथ। जो मेंडल ने पीस के ऊपर डाईहाइब्रिड क्रॉस कराई थी स्टूडेंट, जो उन्होंने राउंड और येल्लो सीड्स लिए थे और रिंकल ग्रीन सीड लिए थे, उनका जो रिजल्ट आया था, बिल्कुल वही रिजल्ट मॉर्गन को इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की डाईहाइब्रिड क्रॉस में मिला था। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 2 कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे। फीमेल्स के अंदर लिया था उन्होंने येल्लो बॉडीड और वाइट आइड फीमेल ली थी, और ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स लिए थे, इन दोनों की उन्होंने क्रॉसिंग करवाई थी। फिर उनको स्टूडेंट F1 जनरेशन के अंदर उन्होंने ये देखा था कि जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए हैं। सिमिलर रिजल्ट मेंडल के भी मिले थे, जो मेंडल के रिजल्ट में आए थे। फिर F2 के अंदर जो F2 जनरेशन करवाई थी, F2 प्रोजेनी के लिए, जब इन्होंने F1 जनरेशन को हाइब्रिडाइज करवाया था, तो बिल्कुल फिनोटाइप 9:3:3:1 मिली थी, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आए थे। अब इन रिजल्ट से, इन एक्सपेरिमेंट से मॉर्गन और उसके ग्रुप को क्या पता चला था कि जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर ही लगे हुए होते हैं, मतलब एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसी पर ही अटैच होते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आपको बता दूं, ये बात एक्स क्रोमोसोम पर ही क्यों लगे होते हैं, ये बात हम सेक्शन नंबर 5.4 के अंदर पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन में। अभी ज़रा सा ये बता देता हूँ, मेल्स के पास होता है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, फीमेल के पास होते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स, वाई क्रोमोसोम का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यही होता है, वो मेल को डिसाइड करता है कि अगर वाई क्रोमोसोम की मिक्सिंग होगी एक्स क्रोमोसोम के साथ तो मेल प्रोड्यूस होगा, और या तो अगर एक्स की मिक्सिंग होगी एक्स के साथ तो फीमेल प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ वाई का काम यही होता है, वाई के ऊपर कोई भी जीन्स नहीं होता है। फिर स्टूडेंट आगे, जब उनको ये भी पता लिया कि एक्स क्रोमोसोम पर ही जीन्स लगे हुए हैं, और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका था 1900 से और आगे भी, तो स्टूडेंट उन्होंने ये देखा कि 2 जीन्स भी डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक ही क्रोमोसोम पर अटैच हैं, मतलब एक ही जर्म सेल के ऊपर 2-2 जीन्स, 2-2 कैरेक्टर अटैच हैं। अब स्टूडेंट फिर आगे क्या आता है कि जो जीन्स थे स्टूडेंट्स, तो उनकी मतलब जो प्रोजनी आई थी उनकी प्रोपोर्शन क्या आई थी, पेरेंटल जीन की कॉम्बिनेशन, मतलब जो प्रोजनी पेरेंट से ज़्यादातर मिलती जुलती थी उनकी कॉम्बिनेशन ज़्यादा आई थी, किसके मुकाबले नॉन पेरेंटल टाइप से, मतलब जो नॉन पेरेंटल टाइप बनेंगे, जो पेरेंट से प्रोजनी मिलती जुलती नहीं होगी, उनकी संख्या, उनकी काउंटिंग बहुत ही कम थी एज कम्पेयर टू पेरेंटल टाइप जीन से। पेरेंट से मिलते हुए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनकी काउंटिंग ज़्यादा थी। तो स्टूडेंट ये सारी बातें लेके मॉर्गन ने ये एट्रीब्यूट किया कि जो फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज जो होता है दोनों जीन्स का, मतलब दोनों जीन्स का एक साथ, कि वो आपस में कितनी तरीके से मिले हुए हैं, तो उसके लिए एक टर्म दे दी गई है लिंकेज। और स्टूडेंट उनका फिजिकल एसोसिएशन, उन दोनों जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन, मतलब फिजिकली वो
क्रोमोसोम के साथ कितनी तेजी के साथ अटैच हैं। तो स्टूडेंट यही सारी बातें हमारी आती हैं लिंकेज के अंदर। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक जर्म सेल है, मैं ऐसे बनाता हूँ क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए ये हमारे क्रोमोसोम्स है, यही जर्म सेल वाला, इसके ऊपर मान लीजिए दोनों जीन्स लगे हुए हैं आपस में। इन दोनों जीन्स का स्टूडेंट आप देख सकते हैं डिस्टेंस बहुत ही कम है, इसका मतलब यहाँ से क्लियर होता है फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स, इन दोनों का लिंकेज कितना है स्टूडेंट। और इन दोनों जीन्स का इस पूरे क्रोमोसोम के ऊपर एसोसिएशन, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है मेरा पेन और इसके ऊपर ये मेरा हाथ जीन्स है स्टूडेंट, और इसको मैं ऐसे पकड़ लूंगा बहुत तेजी के साथ, तो ये होगा मेरा फिजिकल एसोसिएशन ऑन अ क्रोमोसोम। फिर आती है टर्म रिकॉम्बिनेशन स्टूडेंट। अब रिकॉम्बिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि कितनी नई नई वेराइटीज हमें मिलती हैं। मतलब जब दो हाइब्रिड क्रॉस होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, उससे जो प्रोजेनी मिलती है, जो पेरेंट से मिलती जुलती नहीं होती, उसको हम कहेंगे नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो ये पूरी जो बात आती है ये आएगी रिकॉम्बिनेशन टर्म के अंदर। अब स्टूडेंट आगे क्या आता है, मॉर्गन ने और उसके ग्रुप ने ये भी देखा, ये भी ऑब्जर्व किया ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से कि भाई जब जीन्स लिंकेज के अंदर आते हैं, रिकॉम्बिनेशन जब टर्म आ जाती है, तो इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पर जब लगे हुए होते हैं, अगर वो टाइटली लिंक्ड होंगे, मतलब बहुत तेजी से उन्होंने क्रोमोसोम को पकड़ा हुआ होगा, तो वो छोड़ेंगे नहीं। जब वो छोड़ेंगे नहीं तो स्टूडेंट जो पेरेंटल टाइप जीन्स बनेगी, यानी कि जो पेरेंट से मिलती जुलती प्रोजेनी बनेगी, बिल्कुल जरा सी सेम टू सेम मिलेगी, सिमिलर मिलेगी स्टूडेंट। जब वो जीन्स छोड़ेंगे ही नहीं तो नए करेक्टर फॉर्म ही नहीं होंगे। और जो जीन्स जिन्होंने लूजली पकड़ा होगा क्रोमोसोम का, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा पैन क्रोमोसोम है और ये मेरी उंगलियाँ, दोनों जीन्स हैं, इन्होंने बहुत ही हल्के से पकड़ा हुआ है, तो दोनों जीन्स आगे से आएंगे, इन दोनों जीन्स को हटा देंगे और वो क्रोमोसोम पर लग जाएंगे, तो दो नए करेक्टर हमें फॉर्म होने के लिए मिल जाते हैं। तो यही इसके अंदर आता है, वो हायर रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, जिन्होंने लूजली लिंक्ड होगा यानी कि लूजली पकड़ा होगा, वो हायर रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। अब स्टूडेंट आगे क्रॉसेस दी हुई हैं, क्रॉस ए क्रॉस बी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्टूडेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्गन ने अब अलग अलग कैरेक्टर लिए थे, जैसे कि वाइट और येलो कलर लिए थे स्टूडेंट, तो ये दोनों जीन्स ने, इन दोनों के कैरेक्टर के जीन्स ने क्रोमोसोम को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो बहुत ही कम होंगे, यानी कि 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो होगी। इसका मतलब 1.3% के अंदर ही जो नई प्रोजनी प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब पेरेंट से अलग प्रोजनी वो 1.3% की होगी। फिर स्टूडेंट आता है दूसरा, वाइट और मिनिएचर विंग जब उन्होंने कैरेक्टर कंसिडर करे थे, तो उन्होंने उन कैरेक्टर्स के जीन्स ने क्रोमोसोम को बहुत ही हल्के से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन 37.2% से हुई थी। इसका मतलब 37.2% के अंदर नई, मतलब पेरेंट से अलग हटके नॉन पेरेंटल टाइप जीन प्रोड्यूस हुए थे। फिर स्टूडेंट आगे आता है, जैसे कि इनके स्टूडेंट थे थॉमस हंट मॉर्गन के, वो अल्फ्रेड स्टर्ट वेंट, ये भी बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करते थे। इन्होंने ये सारे रिजल्ट की, रिकॉम्बिनेशन की सारे रिजल्ट की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की थी, और इन्होंने ये भी मेजर किया था कि जैसे कि दो जीन्स होते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए ये जो दो जीन्स मैंने आपको बताए थे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितनी नहीं, ये भी बात उन्होंने कंसिडर करी थी। ये सारी बातें कंसिडर करके उन्होंने मैपिंग प्रोड्यूस की थी कि जेनेटिक्स की मैपिंग भी की जा सकती है। अब इस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स, जैसे कि जो जेनेटिक मैपिंग होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम आज के ज़माने में भी यूज़ करते हैं बहुत तरीके के जीनोम्स को फॉर्म करने के लिए, मतलब उनको परखने के लिए, जानने के लिए। और ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट, जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के अंदर चलता है, उसके अंदर भी जेनेटिक मैपिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ आ जाता है। अब स्टूडेंट मैं आपको समझाऊंगा ये पूरी टेबल, दो मिनट रुकिए, मैं अपने हैंड्स में अपना कैमरा हैंडल कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट ये आपको पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा मैं, जो कि आप लोग याद रखिएगा इसको पढ़ाने से पहले। जैसे कि सबसे पहले हम फिगर पढ़ते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। भाई दो डायहाइब्रिड क्रॉसेस दी हुई हैं मॉर्गन ने, जो करवाई थी अपने पास ही, क्रॉस ए के अंदर उन्होंने जीन लिए हैं येलो और वाइट,
और क्रॉस बी के अंदर उन्होंने लिया है वाइट और मिनिएचर विंग वाले, मिनिएचर विंग मतलब छोटे छोटे विंग वाले। अब यहाँ पर दिया हुआ है जो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख के सोचते होंगे कि यार ये प्लस प्लस क्या है, ये जो प्लस वाले एलील्स हैं ये सारे डोमिनेंट को शो करेंगे यानी कि डोमिनेंट होंगे। लेकिन एक बात याद रहे स्टूडेंट्स, ये जो प्लस वाले हैं यानी कि येलो प्लस और वाइट प्लस, ये वाइल्ड टाइप हैं। इसका मतलब, वाइल्ड टाइप का मतलब ये होगा कि ये मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं किए हैं ये वाली फ्लाइज। स्टूडेंट ये वाली फ्लाइज मॉर्गन ने बाहर से पकड़ी हैं, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए हैं। जैसे कि हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा था, इन्होंने एक सिंथेटिक मीडियम के अंदर ये प्रोड्यूस की जा सकती थी। तो स्टूडेंट मॉर्गन ने जो फीमेल्स यहाँ पर ली हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फीमेल्स हैं और ये मेल्स हैं, तो फीमेल्स मॉर्गन ने अपने पास प्रोड्यूस की हैं, उसके अंदर से येलो और वाइट ली हैं और वाइल्ड टाइप के अंदर मॉर्गन ने बाहर से पकड़ी हैं। और यहाँ पर अब दूसरा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ और बेसिक सी, येलो प्लस और वाइट प्लस, प्लस प्लस यानी कि येलो कलर और वाइट कलर, अगर ये दोनों एक साथ प्लस में प्रेजेंट हैं तभी ये डोमिनेंट कहलाएंगे। अदरवाइज अगर एक मान लीजिए वाई प्लस हमें यहाँ पर दिया हुआ है और डब्ल्यू दिया हुआ है, तो वाई प्लस यहाँ पर रिसेसिव होगा और डब्ल्यू जो होगा डोमिनेंट होगा। अगर एक अकेला वाई प्लस या डब्ल्यू प्लस प्रेजेंट होता है तो वो रिसेसिव हो जाता है स्टूडेंट। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे कि यार ये पर्पल कलर का ये क्या है बैंड सा, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ ये वाई क्रोमोजोम है। इसके ऊपर जीन इसलिए नहीं है क्योंकि वाई क्रोमोसोम जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ये सिर्फ और सिर्फ मेल को डिसाइड करता है कि जो प्रोजनी होगी वो मेल होगी या फीमेल। अगर वाई की एसोसिएशन होगी किसी एक्स क्रोमोसोम के साथ तो स्टूडेंट वो मेल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर फीमेल की क्रोमोसोम देख सकते हैं एक्स एक्स, और यहाँ पर मेल की भी क्रोमोसोम देख सकते हैं एक्स, ऊपर वाला एक्स जिसपे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है जीन्स, ये एक्स क्रोमोसोम है ब्लू कलर का, और ये जो पर्पल कलर सा देख रहे हैं आप ये Y क्रोमोसोम है। फिर इनकी क्रॉसिंग होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजनी बन चुकी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स की, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दूर दूर है। दूर दूर इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत ही लूजली एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, लिंकेज बहुत ही कम है यहाँ पर, क्योंकि दोनों आसपास जीन्स होने चाहिए, पास पास जीन्स होने चाहिए जिसकी वजह से लिंकेज और फिजिकल एसोसिएशन का पता चले स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए बहुत ही पास पास हैं, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लिंकेज शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे चल के आता है कि भैया क्या प्रोजेनी बनती है, क्या रिकॉम्बिनेशन बनता है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी स्टूडेंट, देख लीजिए आप यहाँ पर वाई क्रोमोसोम की क्रॉसिंग हो गई एक्स के साथ, तो भैया ये बन गया है येलो और वाइट, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के पास कोई भी जीन्स नहीं है। ये जो पर्पल कलर का बैंड देख रहे हैं, वाई क्रोमोसोम मेल को ही डिसाइड करता है, तो देख लीजिए मेल बन चुका है, मेल के अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ पर वाइल्ड टाइप डोमिनेंट होगा इसलिए क्योंकि वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस एक साथ प्रेजेंट हैं। क्रॉस बी के अंदर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर भी सेम टू सेम ही प्रोजेनी बनेगी, लेकिन वाइट और मिनिएचर की कैरेक्टर्स वो शो करेंगे। मिनिएचर विंग मतलब छोटा छोटा सा विंग जिसके पास होगा फ्लाई के पास, देख लीजिए मेल बन चुका है और फीमेल, वाई क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम, फीमेल मेल। फिर स्टूडेंट जब हमने फन प्रोजेनी की क्रॉसिंग करवाई है तो हमें कुछ रिजल्ट यहाँ पर ऐसे मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसका पनेट स्क्वायर क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट पनेट स्क्वायर इसका इस वाले क्रॉस का मॉर्गन के टेस्ट का इतना ज़रूरी नहीं है। मॉर्गन ने सिर्फ और सिर्फ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के टेस्ट को ही क्लियर किया था कि भाई लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के अंदर पनेट स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप लोग की टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जब हमने F1 जनरेशन को क्रॉस कराया है, यहाँ पर सबसे पहले Y की कॉम्बिनेशन हो चुकी है वाइल्ड टाइप के साथ, तो इसलिए देखिए यहाँ पर वाइल्ड टाइप बन चुका है क्योंकि X क्रोमोसोम के पास ही जीन्स है और यहाँ पर Y प्लस W प्लस शो हो रहा है, तो इसलिए दोनों एक साथ मिलकर डोमिनेंट बनाएंगे। Y क्रोमोसोम के पास तो कोई जीन्स है ही नहीं, तो इसलिए मेल। ये Y प्लस W एक साथ मिल चुके हैं यानी कि रिकॉम्बिनेशन बना है, नॉन पेरेंटल टाइप जीन बना है स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वाई प्लस अकेला प्रेजेंट है और डब्ल्यू भी है, तो इसलिए ये खाली वाइट ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी ही पेरेंटल टाइप 98.7% होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये सारी फीमेल्स हैं स्टूडेंट, चार फीमेल्स हैं,
जिसके अंदर से दो पेरेंट के ऊपर गई हैं और दो नॉन पेरेंटल टाइप हैं, और स्टूडेंट यहाँ पर दो मेल हैं जो कि नॉन पेरेंटल टाइप हैं और दो फीमेल्स हैं जो कि पेरेंटल टाइप हैं। 98.7% काउंटिंग तो बहुत होती है उनकी, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया गया है, शो करवाया गया है। बात की जाए वाइट और मिनिएचर की, तो स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पर जब ये जीन्स ही दूर दूर थे तो यहाँ पर लिंकेज और लिंकेज तो बहुत ही कम हुआ होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? नॉन पेरेंटल टाइप जीन का प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई की एसोसिएशन हो चुकी है इनके साथ, नॉन पेरेंटल टाइप के साथ भी, पेरेंटल टाइप के साथ भी, और जैसे कि डब्ल्यू प्लस एम प्लस यहाँ पर दिया हुआ है तो ये डोमिनेंट होंगे, तो इसलिए वाइल्ड टाइप। और स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए वाइट एंड मिनिएचर, चार मेल बने हैं और चार फीमेल बनी हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अगर लिंकेज बहुत ही कम है जीन्स का क्रोमोसोम पर, इसका मतलब दूर दूर है, तो ये इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि रिकॉम्बिनेशन हमें ज़्यादा मिलेगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब नॉन पेरेंटल टाइप जीन, मतलब नॉन पेरेंटल टाइप प्रोजेनी हमें ज़्यादा मिलने वाली है। स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके पास कोई बायोलॉजी की ट्यूशन नहीं है और उनको इस वीडियो की भी बहुत ज़रूरत है। और अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो स्टूडेंट फिर हम आगे भी बोर्ड्स के लिए तैयारी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वेलकम।